नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में राकेश। बिहार में नगर निकाय की योजनाओं की समीक्षा शुरू हो गई है। आपको बता दें चले कि बिहार के डिप्टी सीएम और नगर विकास मंत्री तारक किशोर प्रसाद ने समीक्षा की। आज पूर्णिया प्रमंडल के सभी नगर निकायों की समीक्षा की गई है, जिसमें पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के सभी नगर आयुक्त भी इसमें शामिल रहे। स्थानीय विधायक और सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में जल जमाव, नाली गली जाम समस्या, पानी समस्या पर समीक्षा की गई। सभी निगम के अधिकारी भी इस समीक्षा के दौरान मौजूद रहे। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पिछले साल जल जमाव से बड़ी परेशानी हुई थी और ऐसी समस्या फिर ना हो, इसकी समीक्षा की जा रही है। नगर निकाय की जो भी समस्या है इसकी समीक्षा कर रहे हैं और विशेष पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में बरसात के समय में या फिर किसी भी दिन नाली को लेकर, पानी को लेकर कोई भी समस्या लोगों के बीच ना रहे। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा इसके पूर्व भी एक बैठक हुई थी, लेकिन पदभार लेने के बाद मुझे लगा कि बिहार के जितने स्थानीय नगर निकाय हैं तो उनके जो अपने अधिकारी हैं और जो उनके अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, उप महापौर हैं, तो उनके साथ एक बार बैठकर उनकी क्या समस्याएं हैं, सरकार के द्वारा जो जिन योजनाओं की राशि नीचे भेजी जाती है उसका कार्यान्वयन का क्या स्वरूप है। क्योंकि विगत महीनों में देखा गया है कि अतिवृष्टि के कारण बिहार के कई नगर में जल जमाव एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर रहा है। तो बड़ा वो स्थिति असहज थी, हमारे नागरिकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो उस तरह की कठिनाइयों से अगर अतिवृष्टि हो तो उसके लिए भी हम सब तैयार रहें, जिससे कि उस नगर के आम नागरिकों को उन कठिनाइयों को आगे से नहीं झेलना पड़े। और दूसरी बात कि सफाई और नाला और फिर जितने प्रकार की नगरीय सुविधाएं हैं, पार्क है, और कितना बेहतर ढंग से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को हम उससे बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि कई प्रकार की समस्याएं हैं। आपने देखा होगा कि कई नगर निगम क्षेत्र में या जो बड़े शहर हैं वहाँ काफ़ी कठिनाई है। तो लगा कि एक सीधा संवाद जो हमारे नगर निकाय के डेमोक्रेटिक सिस्टम के हमारे अध्यक्ष हैं, महापौर हैं या उनके लोग हैं और जो स्थानीय हमारे अधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, कार्यपालक पदाधिकारी हैं, तो उनके बीच एक बेहतर संवाद बने। और कुछ चीज़ें हैं जो पटना से समझ में नहीं आएगी और उनके साथ जब सरकार संवाद करेगी तो अपने कठिनाइयों को बतलाएँ, उन कठिनाइयों को हम सब दूर करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि बेहतर जो नगरीय सुविधा है हमारे नागरिकों को मिले। मूल रूप से इस बैठक के पीछे यही सार है और मैंने इसे प्रमंडलवार इस बैठक को रखा है, जिससे बेहतर ढंग से अलग अलग टुकड़ों में उनकी समस्याओं को जान सकें। और उसके बाद मैंने प्रमंडल से अपने नगर विकास एवं आवास विभाग के एक अधिकारी को उसके प्रभारी के रूप में मनोनीत किया गया है, जिससे वो प्रमंडल जाकर दो तीन दिन रहकर उनके जो योजनाएं हैं, नगर विकास विभाग की जो योजनाएं हैं उसके एक्सक्यूशन को जमीनी तौर पर देखें। अगर कोई कठिनाई है तो फिर उस कठिनाई को जाकर दूर करेंगे, या फिर जिस प्रकार की कठिनाइयाँ हैं अगर उस स्तर पर दूर नहीं होगी तो फिर सरकार के समक्ष वो विषय आएगा, विभाग के समक्ष आएगा, तो उस कठिनाइयों को हम दूर करने का प्रयास। तो नगर निकाय की जो समस्या है उन तमाम संरचनाओं पर जो समीक्षा बैठक है वो शुरू हो गई है। और लगातार बिहार की अगर डिप्टी सीएम की बात की जाए तो उनके पास भी नगर विकास का विभाग है और उनके तत्वाधान में, उनके नेतृत्व में लगातार जो बैठक का जो दौर है वो चल रहा है।
नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।